देख रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद का आंवला का जूस प्लांट। यहाँ आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास और गाजर आदि के जूस निकालने की पूरी व्यवस्था है। यहाँ ट्रक आता है और ट्रक जो है ये पानी के अंदर डाल दिया जाता है आंवले को, और आंवला यहाँ से वाश होकर के फिर आगे बढ़ता है कन्वेयर के थ्रू। आइए आपको अंदर ले चलते हैं जहाँ से आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये प्लांट का अंदर वाला हिस्सा है, कन्वेयर के थ्रू आंवला अंदर आ गया और यहाँ आने के बाद आप मेरे सामने देख रहे हैं यहाँ पर 85 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर वो गर्म पानी में आंवले को धोया जाता है और इसके बाद ये कन्वेयर के थ्रू आगे चला जाता है। और गर्म पानी में आंवला साफ होने के बाद वहाँ से कन्वेयर के थ्रू आगे बढ़ता है। यहाँ शॉर्टिंग होती है, जो भी आंवले में खराब पीस होते हैं उनको यहाँ निकाल दिया जाता है और यहाँ शॉर्टिंग होने के बाद यह आंवला इस कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से आगे बढ़ता है। इसके बाद आंवले की गुठली निकाली जाती है। पीछे से आंवला आ रहा है और आंवला की यहाँ गुठली निकाली जा रही है। ये जो प्लांट है इसमें से गुठली देना, यहाँ पर ये गुठली अलग हो गई है और आंवला का गुद्दा अलग हो गया है। अब ये गुद्दा आगे जाएगा और वहाँ इसमें पल्प में से जूस निकाला जाएगा। पीछे से पल्प निकल करके ये जो टैंक्स बने हुए बड़े बड़े यहाँ इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वो पल्प यहाँ आता है। अश्विनी जी यहाँ क्या होता है फिर? 85 डिग्री टेम्परेचर सर्कुलेट होता है। पल्प फिर यहाँ आता है और यहाँ 55 डिग्री टेम्परेचर उनको तापमान दिया जाता है आंवले के पल्प को। और उसके बाद में ये जो पल्प है इसको प्रेस करके जूस निकालते हैं। उसके लिए आपको ले चलते हैं जहां ये जूस निकाला जाता है। पल्प पाइप के माध्यम से नीचे आता है और ये बेल्ट लगी हुई है उसके बीच में ये पल्प आ जाता है और आप देख रहे हैं यहां से वो जूस निकलना शुरू हो जाता है। वो जूस फिर इस टैंक के माध्यम से फिर आगे चले जाता है बड़े टैंक में। आपको हम दिखाते हैं ये जूस यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये पाइप के माध्यम से फिर आगे इस बड़े टैंक में चला जाता है। ये जो मेरे दाहिनी ओर आप बड़े बड़े टैंक देख रहे हैं वो फिर जूस यहाँ पहुँच जाता है। और इन टैंक्स में क्या होता है? कंसंट्रेट होता है, गाढ़ा करते हैं तो उसको गाढ़ा करते हैं, जूस को कंसंट्रेट किया जाता है उसको, और उसके बाद आगे फिलिंग कर दिया जाता है आगे जो ड्रम रखे हैं उनके अंदर। और यहाँ जूस निकलने के बाद जो पल्प है वो एकदम ड्राई हो गया है। अब इसमें रस नहीं बचा है। ये देख रहे हैं आप, ये बेल्ट के साथ है ये। अब ये बच गया उसका अवशिष्ट भाग, इसमें से जूस अब निकाला जा चुका है। और ये क्या है? तो पानी फिल्टर वाश हो रहा है, बेल्ट प्रेस वाश होता है ना तो स्वामी जी। जूस निकलने के बाद ये जो अवशिष्ट भाग है आंवले का ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हम आगे कोशिश कर रहे हैं इसके भी कुछ बायो प्रोडक्ट्स बनाए जाए। आंवला जूस अब तैयार होकर के यहाँ आ गया है स्टिलाइजेशन के लिए, जहाँ उसको 95 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है।
और उसके विद इन 2 मिनट्स जो है 25 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाता है। ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है, इसके बाद वो जूस पैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जूस अब यहाँ पर बन करके तैयार होकर के आ चुका है। और यहाँ पर ये कितने लीटर का बैग है? 204 लीटर का ये बैग है। अब यहाँ पर जो मशीन लगी है, ये पहले इसके कैप का, फिर इस पूरे बैग का स्टरलाइजेशन करती है और उसके बाद इसमें जूस को भरती है, फिलिंग करती है। 2 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा जो बैग है ये जूस से पैक हो जाता है। दुनिया का सबसे आधुनिकतम ये ऑटोमेटिक जूस प्लांट है, जहाँ भी आप आंवले का जूस देख रहे हैं, ऐसे एलोवेरा का जूस यहाँ तैयार होता है। ये सारा जूस निकल के इन टैंक्स में आ जाता है, यहाँ से आने के बाद स्टरलाइजेशन के लिए आगे जाता है। एक टैंक की कैपेसिटी कितनी है अश्विन भाई? 3,000 और ये 5,000 लीटर की कैपेसिटी है इसकी। और इसके अंदर हम जूस को देख सकते हैं, ये जूस आप देख सकते हैं इसमें भर रहा है। ये 3,000 की कैपेसिटी का है और इसके बाद ये 5,000 लीटर की कैपेसिटी का ये प्लांट है, ठीक है। आप दूर तक देख सकते हैं, वहाँ से लेकर के और जहाँ तक जूस पैक होता है वहाँ तक कितनी दूरी होगी? ये 100 मीटर के अंदर ये पूरी यूनिट लगी हुई, आप देख सकते हैं, जहाँ से आंवला वाश होकर के आता है और जहाँ तक पैक किया जाता है वहाँ करीब 100 मीटर की दूरी तय होती है। सारा प्लांट ऑटोमेटिक है, दाएं तरफ इसका पूरा ये सिस्टम लगा हुआ है, कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, जहाँ से एक ही जगह बैठ करके पूरे प्लांट को हम कंट्रोल करते हैं। तो उद्देश्य हमारा ये है कि लोगों को 100% शुद्ध चीज़ें मिलें। और आज के इस ज़माने में खाने पीने की चीज़ों में शुद्धता नहीं रह गई है। अक्सर लोग कहते हैं जहाँ खाने पीने की चीज़ें तैयार होती हैं, चाहे जूस हैं, चाहे मिठाइयाँ हैं और दूसरे फूड प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ खाने पीने की चीज़ें तैयार होती हैं, लोग कहते हैं यदि उनको बनाते भी देख लो तो आप खा नहीं सकते। लेकिन आपने आंवले का जूस देखा, शुरू से अंत तक कहीं पर इस जब धुलाई होने के बाद इसको फिर कहीं पर हाथ का टच भी नहीं होता है, इससे ज़्यादा शुद्ध, इससे ज़्यादा प्रामाणिक और इससे ज़्यादा सस्ता जूस देश ने पूरी दुनिया में कहीं पर उपलब्ध हो नहीं सकता। जूस तैयार होने के बाद यहाँ फिलिंग के लिए आता है। यहाँ एक एक लीटर की बोतल आप पीछे देख रहे हैं वो लगी हुई है, वहाँ से बोतल में जूस भरता है। जूस भरने के बाद यहाँ से लेबलिंग होता है और लेबलिंग होने के बाद में ये जूस 90 रुपये का आपको पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और अब तो खुले बाजार में भी आपको उपलब्ध हो रहा है। और यहाँ से फिर कार्टून इसके अंदर भर करके आप तक पहुँच जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बाहर ये आंवला सौरस के ये पूरे कार्टून भरे हुए तैयार हैं आप तक पहुंचने के लिए, आपको आंवले का जूस पिलाने के लिए। ये इतना बड़ा उपक्रम किया गया है, इतना बड़ा संयंत्र लगाया गया है कि आपको 100% शुद्ध स्वदेशी उत्पाद मिल सके आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए। आज आंवला और एलोवेरा का जूस लाखों ही नहीं देश के करोड़ों लोग स्वस्थ रहने के लिए पीते हैं। एक रसायन का काम करता है, आपको रोगों से बचाता है, आपकी आँखों को अच्छा रखता है, आपके बालों को स्वस्थ रखता है, आपकी आयु को बढ़ाता है। ये रोगनाशक, स्वास्थ्यवर्धक, आयु, शक्ति और सौंदर्यवर्धक आंवला एलोवेरा का जूस आप खुद रोज पीते हैं। यदि नहीं पीते हैं तो आप भी शुरू कीजिए, इससे जहां आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, दवाओं के खर्चे से आप बचेंगे, वहीं लंबी आयु पाएंगे।
आंवले का जो आप वेस्ट देख रहे थे, अर्थात जूस निकलने के बाद जो पल्प का ड्राई भाग था उसको लेकर के ये आंवले का लड्डू बना दिया गया है। हमारा विचार है आगे से इसका कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो और आंवले का ये लड्डू जहाँ खाने में बहुत पौष्टिक है, वहीं एक मिठाई का स्वस्थ विकल्प भी है। हमारी आगे कोशिश होगी आप तक भी ये आंवले का